क्वेश्चन के जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सीएम हैं उनके साथ कुछ G8 बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, या कुछ मीटिंग आपकी? ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। कुछ मुख्यमंत्री, लगभग 8 मुख्यमंत्री, उनके बीच में मेरी उनसे कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। हम सब लोग, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसका मोटा मोटा आज मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, विच इज़ आई एम वायलेटिंग द प्रोटोकॉल बिटवीन द ऑल ऑफ अस। हमें सबको 8ों को एक साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसमें हमने ये तय किया कि हर महीने हम 8ों के 8ों मुख्यमंत्री एक स्टेट में जाएंगे उन 8 में से, और उन्होंने जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम देख के आएंगे, उन अच्छे कामों को विजिट करके आएंगे ताकि हम सीख सकें। तो आइडिया इज़ दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से सीख सकें, ये आइडिया है। तो इसमें कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं उनके साथ भी, उनके ऑफिसर्स के साथ भी। वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था, कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था, मुझे लगा एक बार लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन फिर सबसे लगा कि 18th and 19th किसी को भी सूट नहीं कर रही क्योंकि सबके असेंबली सेशंस हैं। तो सब ने कहा कि रखो तो मिड अप्रैल के बाद ही रखना। तो अभी फ़िलहाल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस जो लीक हो गया है। तो जब भी कुछ भी फाइनल होगा, फाइनली कौन कौन आएंगे, कैसे होगा, वो जैसे ही होगा तो मैं हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। वो तो लीक लेटर में लिखा हुआ है सारा, पढ़ लो उसमें। इसका 24 से कोई फ्रंट नहीं है, कुछ नहीं। इट्स अ गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। अभी जैसे मैं KCR साहब के यहाँ गया था हैदराबाद, वहाँ पे उन्होंने हमें एक आई कैंप देखने के लिए बुलाया। तेलंगाना की कितनी, 3 करोड़ या 4 करोड़ जनसंख्या है, वो सबका आई टेस्ट फ्री में करा रहे हैं, सबका। तो उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। किसी को भी चश्मा चाहिए, फ्री में चश्मा दे रहे हैं। किसी को आँख का ऑपरेशन करा रहा है, फ्री में। तो एक तरह से 4 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या की आँखें दुरुस्त करने का इतना बड़ा मैसेज, तो ये तो सीखना चाहिए। वहीं मैं अनाउंस करके आया कि मैं दिल्ली में भी करूँगा, मान साहब ने कहा मैं पंजाब में भी करूँगा। तो एक दूसरे हम सीख क्यों नहीं सकते? उन्होंने इरीगेशन का इतना शानदार काम किया हुआ है, तेलंगाना के अंदर इरीगेशन पर इतना शानदार काम हुआ है। उसको देखने के लिए स्पेशली भगवंत मान दोबारा गए अभी थोड़े दिन पहले। तो हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते? सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए ये गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। दिस इज नो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन। नहीं, मैं आपको बता दूंगा। एवरीवन सेड दैट बिफोर मिड अप्रैल इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर सच फाइन न्यूज ब्रेक्स एंड वीडियो फीचर्स फ्रॉम ग्राउंड ऑन योर मोबाइल फोन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल द न्यू इंडियन बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकॉन। ऑल्सो फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑन Instagram, Twitter, Facebook एंड Kuh.